हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम एनसीईआरटी की क्लास 8 संस्कृत रुचिरा भाग 3 का फिफ्थ पार्ट की हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, जिसका शीर्षक है कंठ के नेव कंठकम, कांटे से ही कांटे को निकाला जा सकता है। तो इस पार्ट में जो हम संस्कृत दी है उसको आसान तरीके से बहुत ही ट्रांसलेशन करेंगे और एक एक का मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में है आसीत कश्चित चंचलो नामे व्याधे। आसीत था कश्चित कोई, चंचलो चंचल, नामे नाम, व्याधे शिकारी, कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगा दिनाम ग्रहणेन से सव्याम जीविका निर्वाहयति सम। पक्षी मृगा पशु, पक्षी पशु का जो पक्षी पशु को मारकर वह अपनी जीविका का निर्वाह करता था। ग्रहण मतलब मारकर सह वह सव्याम अपनी जीविकाम जीविका का निर्वाहयति निर्वाह सम करता था। एकदा सह वने जालम विस्तर्य गृहम आग गतवान। एकदा एक बार सह वह वने वन में या जंगल में जालम जाल को विस्तार्य बिछा कर गृहम घर आगतवान आ गया। अन्यस्मिन द्विसे अगले दिन प्रातः काले यदा चंचल है वनम गतवान तदा सह दृष्टवान यत्तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्याद एक व्याघ्र बधे आसीत। अगले दिन सुबह प्रातः काले सुबह यदा जब चंचल वन में गया तदा तब सह उसने दृष्टवान देखा यत तेन उधर उस जाल जो उस बिछाए हुए जाल में था दुर्भाग्यवश एक शेर बंधा था। जब वह अगले दिन वन में गया चंचल नाम का शिकारी तो उसने देखा जो उसने जाल बिछाया था वहां दुर्भाग्य से एक शेर उसमें फंस गया था। सो अचिंत्यत उसने सोचा व्याघ्रह माम खदिष्यति अते एव पलायन करिणीयम्। व्याघ्रह मतलब जो शेर है माम मुझे खा जाएगा अते एव इसलिए मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नवेदत भो मानव, व्याघ्र शेर ने निवेदन किया भो मानव हे मानव कल्याणम भवतु ते। भवतु मतलब हो, कल्याणम कल्याण, ते मतलब तुम्हारा, तुम्हारा कल्याण हो। अगली लाइन है यदि त्वं माम मोचिष्यसि त्रहिम अहम त्वं न हनिष्यामि। यदि यदि त्वं तुम मुझे मोचिसी छुड़ा दोगे त्रही तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ऐसा वो शेर उसे बोलता है। तदा से व्याधे व्याघ्रम जालात बही निरसारयत। तदा तब सह मतलब वह शिकारी ने शेर को जाल से बाहर निरसारयत मतलब निकाला। व्याघ्रह कलांत है आसीत, व्याघ्रह शेर कलांत है थका हुआ आसीत था, जो शेर था वह थका हुआ था। सो एवदत इस वह बोला भो मानव हे मानव पिपासु अहम मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीय मम पिपासम शमर। नद्या मतलब नदी का जलम आनीय जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। व्याघ्रह जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्रह शेर ने जल पीकर फिर से व्याधम वदत व्याध एवदत समय में पिपासा, और उस शेर ने बोला कि तुमने मेरी प्यास शांत हुई। आगे है सांप्रतम भू भिक्षितो अस्मि। सांप्रतम मतलब अब, भू भिक्षितो मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इदानीम मतलब अब, मैं त्वाम तुम्हें खाऊंगा। चंचल है उक्तवान, चंचल बोला, जो चंचल नाम का शिकारी था वह बोला अहम तव
कृते धर्मम आचारित वान, मैंने तव कृते तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया। तव्या मिथ्या भनितम, और तुमने झूठ ही भनितम कहा, और तुमने झूठ कहा। त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम्हारी मुझे खाने की इच्छा है। व्याग्रह एवदत, शेर बोला, अरे मूर्ख, हे मूर्ख, शुद्धार्थार्य किमपि अकार्यम न भवति। शुद्धार्थार्य जो भूखा हो उसके लिए कुछ भी अकार्य कार्य जो मतलब कार्य योग्य नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है, जो भी कोई भूखा होता है उसके लिए सब ठीक होता है। सर्व स्वार्थम समीहते, समीहते चाहते हैं, सभी स्वार्थ चाहते हैं, जो अपना स्वार्थ होता है वही पूरा करते हैं। तो चंचल को बहुत दुख हुआ और उसने चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी जल से पूछा। नदी जलम अवदत, नदी के जल ने बोला। एमेव भवति, वह जो वृक्ष था, सबसे पहले वृक्ष नहीं, सबसे पहले नदी के पास गया तो नदी ने बोला, एमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, जो लोग हैं वो मेरे जल में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को धोते हैं। तथा च और मल और मूत्र, मूत्रादिकम जल मल और मूत्र को विसर्जय निर्वन्तते, और मल और मूत्र को विसर्जन करते हैं। वस्तुतः सर्वे स्वार्थ समीहते, और वास्तव में सभी अपने स्वार्थ चाहते हैं। तो वो कहते हैं ये शेर ही नहीं, कोई भी मानव भी है वो भी अपना स्वार्थ को ही पूरा करते हैं। वो मेरे जल में नहाते हैं, वस्त्र धोते हैं, मल मूत्र विसर्जन करते हैं, और सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। फिर उसके बाद में चंचल है वृक्ष में उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के उपगम्य पास जाकर अपृच्छत, उसने उससे पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकम छायायाम विरमन्ति, जो मनुष्य है अस्माकम हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलामी खादन्ति, हमारे फल को खादते हैं, खादते मतलब खाते हैं। पुनः कुठारे, फिर कुल्हाड़ी से, प्रिहर्तय अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं। सर्वदा मतलब हमेशा कष्ट देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहां भी मन करता है वहां पर कटाई कर देते हैं, और वह हमारी क्या करते हैं, कटाई करते हैं। सर्वे स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ चाहते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलीना एताम वार्ता शृणोति समय। समीपे मतलब पास में एका एक लोमड़ी बद्री गुल्मा नाम बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे नीलीना, नीलीना मतलब छिपकर, एताम उन सब की वार्ता मतलब बातचीत सुन रही थी। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपकर उनकी सब बातें सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, सहसा उसने अचानक ही चंचल के पास जाकर कहा, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य, मुझे भी विज्ञाप्य मतलब बताइए। सह अवदत, वह बोला, अह मात्र स्वसे, ओ मासी अवसरे त्वम समागत वती, तुम भी समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मैंने इस शेर के प्राण की रक्षा की। परम एष, परंतु इस मामेव खादितुम इच्छति, परंतु इसकी मेर को खाने की इच्छा है। एष मतलब यह, परंतु यह मेर को खाना चाहता है। तदंतरम सह लोम शिकाये निखिलाम कथाम नवेद्यत, तदनंतम मतलब इसके बाद सह उसने लोमड़ी को पूरी कहानी नवेद्यत सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका लोमड़ी ने चंचल को कहा,
बाडम, बाडम मतलब ठीक है। त्वम जालम प्रसार्य, तुम जाल फैलाओ। पुनः से व्याघ्रम, पुनः फिर से शेर। एवदत केन प्रकारेण त्वम अतस्मिन् जाले बध इति अहम् प्रत्यक्षम् दृष्टुम् इच्छामि। उसने शेर से बोला, केन किस प्रकार तुम एतस्मिन् इस जाले जाल में बंधे थे, ऐसा मेरा प्रत्यक्ष देखने की इच्छा है। वह शेर को कहती है कि तुम कैसे बंधे थे, मैं ये प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। प्रकारेण मतलब प्रवेश किया, ये भी कह सकते हैं। व्याघ्र तद वृतांतम प्रदिश्यन्तुम तस्मिन् जाले प्राविशत। व्याघ्र शेर तद उस वृतांत को दिखाने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। प्राविशत मतलब प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः एकथ्यत, लोमशिका लोमड़ी फिर से कहती है। संप्रति पुनः पुनः, संप्रति पुनः पुनः, कुद्रम कृत्वा दृश्य। संप्रति मतलब अब, पुनः पुनः बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथेव समाचरत, वह वैसा ही आचरण करता है। फिर उसके बाद है अनांतरम कुर्देन सह श्रांत अभवत। अनांतरम लगातार कूदने से वह श्रांत थक जाता है। जाले बंधे सह व्याग्रह कलांत सन निसहाय भूत्वा तत्र अपतत। प्राण भिक्षामिव चयाचत। जाले बंधे, जाल में बंद कर वह शेर थका हुआ निसहाय होकर वहां गिर जाता है और प्राणों की याचना मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम एवतत, लोमड़ी जो शेर को बोलती है, सत्यम त्वा भनितम, सत्य ही तुमने, सत्य ही कहा है। सर्वह स्वार्थम समीयते, सभी अपना स्वार्थ चाहते हैं। तो ये हुई हमारी कहानी, जो हमने पूरी की पूरी अच्छे से इसकी हिंदी अनुवाद की। आई होप कि अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।